कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुझा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्ण रहा। सुबह 7 बजे से ही लोग वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। दोपहर 3 बजे तक 48.60% मतदान हो चुका था। धीरे धीरे मतदान की रफ्तार बढ़ने के साथ ही शाम 5 बजे तक 57.80% मतदान हुआ। लोग समय से पहले ही मतदान केंद्रों पर आकर कतारबद्ध हो गए। इसके साथ ही बुझा के मतदान केंद्र संख्या 200 पर ईवीएम खराब होने के कारण ईवीएम को बदलना पड़ा। इसके कारण आधे घंटे तक मतदान बाधित रहा। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। इस सीट पर कुल 13 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें भाजपा वीआईपी व राजद के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। इस मतदान में बुजुर्गों, महिलाओं के अलावा दिव्यांगों में भी वोटिंग को लेकर उत्साह दिखा। हालांकि दोपहर में मतदान का प्रतिशत धीमी गति से बढ़ता रहा। शाम के समय एक बार फिर मतदान ने गति पकड़ी। कई लोगों ने धूप में जाने से बचने के लिए सुबह में ही मतदान केंद्रों पर जाकर वोटिंग की। बुझा क्षेत्र में कुल 350 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 7 साल हो गया पुल का। अच्छा, वो पुल अभी तक नहीं बना। अच्छा, मुद्दा हमारा वही है और सेंटर गवर्नमेंट से हम रिटायर किए हुए हैं। देख लीजिए, वोटिंग कैसा गया? वोट तो जिसको जहां मर्जी है वहां तो अपना इच्छा जहां है किसी भी पार्टी। अच्छा, अंदर गए हैं, लाइट उठ की व्यवस्था है जहाँ पे बटन दबाए थे ईवीएम के पास? लाइट दे दे लाइट की व्यवस्था है। देखिए, से गया है। हाँ, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। कौन सा बूथ? 9 नंबर 8 9 8। किस जगह का है ये? खबरा पोखर का है। खबरा पंचायत वार्ड नंबर 10 से हूँ। सानी समाज से आता हूँ और मैं विकास के मुद्दे पे मैं वोटिंग कर रहा हूँ और आगे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। और इस तरह से हम दे रहे हैं समाज के और आप भी दें। बचहा विधानसभा का जो उपनिर्वाचन आज मतदान का कार्य संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान हुआ, जिसमें सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने काफ़ी उत्साहपूर्वक लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट को कास्ट किया है। और मतदान केंद्रों के भ्रमण के दौरान हम लोगों ने पाया कि हर जगह पर मतदाताओं का उत्साह काफ़ी था और परसेंटेज लगभग 60% प्रारंभिक जो हम लोगों को जानकारी मिली है, लगभग 60% मतदान हुआ है। ये फाइनल फिगर रात के 11 बजे तक हम लोगों के पास आ जाएगा, जिसमें एक्चुअल कितना मतदान हुआ है वो पता चल जाएगा। किसी भी मतदान केंद्र से किसी भी तरीके के अप्रिय घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी और अब मतदान केंद्र पर मतदान की समाप्ति के पश्चात जो पार्टीज़ हैं, जो पोलिंग पार्टीज और फोर्सेस हैं, उन्होंने अब संग्रहण केंद्रों की ओर मूव करना शुरू कर दिया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि रात के 10-11 बजे तक सारे जो ईवीएम्स हैं वो भी संग्रहण केंद्र पर आ जाएंगे। तो मतदाताओं ने काफ़ी उत्साह के साथ भाग लिया है, काफ़ी लोगों ने लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन दिखाया है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।